नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। ब्रॉडगज रेल संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं लाजी किरानापुर रेल संघर्ष समिति के ब्लॉक अध्यक्ष नई दिल्ली में रेल भवन पहुंचकर रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष माननीय सुनील शर्मा जी को ज्ञापन सौंपा गया है। इस दौरान विस्तार से चर्चा कर बताया गया कि तिरोड़ी से कटंगी और कटंगी से समानापुर और जबलपुर नैनपुर मंडला के बीच ब्रॉडगेज ट्रैक बनकर उसका CRS निरीक्षण पूर्ण कर लिया गया है। यात्री ट्रेन प्रारंभ न होने से यात्रियों को भारी आर्थिक बोझ का सामना करना पड़ रहा है। ब्रॉडगेज रेल संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सुनीत शर्मा रेलवे बोर्ड अध्यक्ष को बताया कि भारत का नैरोगेज का सबसे बड़ा रेल जंक्शन नैनपुर था। इस जंक्शन से जबलपुर पश्चिम मध्य रेलवे और गोंदिया दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर सेंट्रल रेलवे के मार्ग को जोड़ता था। नैरोगेज के गेज परिवर्तन के लिए पिछले 6 वर्षों से मेगा ब्लॉक किया हुआ है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन बिलासपुर के अंतर्गत इस रेलखंड के अमान परिवर्तन का कार्य चल रहा है। दर्शाए रेलखंड में CRS निरीक्षण पूर्ण कर लिया गया है। जबलपुर गोंदिया मार्ग पर रेलवे बोर्ड द्वारा लंबी दूरी की ट्रेन भी चलाई गई, लेकिन लोकल ट्रेनों के नहीं चलने से आम जनता आर्थिक बोझ के साथ आवागमन के लिए पिछले 6 वर्षों से परेशान है। रेलवे बोर्ड अध्यक्ष को ये बात भी अवगत कराया गया कि मध्य प्रदेश राज्य के सिवनी मंडला बालाघाट आदिवासी वन क्षेत्र हैं। 1901 से लेकर 2015 तक नैरोगेज ही आवागमन का एकमात्र सहारा रहा है। जबलपुर गोंदिया नैनपुर नागपुर व नैनपुर मंडला फोर्ट के लिए छोटी गाड़ी ही मात्र साधन थी। लगातार बदलते देश के परिवेश विकास और जन मांग भावना के अनुरूप भारतीय रेल बोर्ड ने गेज परिवर्तन का काम तो चालू करवा दिया, CRS भी करवा दिया। CRS होने के बाद भी रेलों का संचालन नहीं हो पा रहा है। अधूरे पड़े कार्यों को पूर्ण कराते हुए CRS हुए रेलखंड में लोकल ट्रेन का परिचालन कराए जाने के लिए ज्ञापन सौंपा गया। वह लंबी दूरी की चल रही ट्रेनों में जबलपुर गोंदिया रूट की ट्रेनों का स्टॉपेज कांसोर रेलवे स्टेशन व लामता रेलवे स्टेशन में कराए जाने की मांग रखी है। इन सभी मुद्दों पर चर्चा की गई। माननीय रेलवे बोर्ड अध्यक्ष ने पूर्ण कराने का आश्वासन दिया है। आपको बता दें, इस रेल मार्ग पर हजारों बार ज्ञापन सौंपा गया है, लेकिन किसी भी प्रकार से रेलवे द्वारा कार्यवाही नहीं की गई है। अब इस बार दिल्ली में ज्ञापन सौंपा गया है। जैसे इस रेल मार्ग की कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती है तो हम वीडियो के माध्यम से आपको जरूर बताएंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।